फ्रेंड्स हेलो। तो हम आज को न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का हम आज करने वाले हैं रैशनल नंबर्स चैप्टर। सर प्रैक्टिस वाणी का मैंने आपको तो ये 3 नंबर तक बता दिया था, अब हम लोग 4 नंबर बताएंगे। ठीक है, 4 नंबर बनाएंगे और 5 नंबर आज मैं बनाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। तो हमारा 4 नंबर क्या है, हमारा 4 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन, राइट द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 5/6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5/6 उतारेंगे। तो हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें माइनस हटाया था हमने पहले, ये जो हमारा ये जो यहाँ था यहाँ से हमें माइनस हटाना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस 5/6 बस यहीं पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस 5/6 और ये जो 5/6 है ये 5/6 हमें लिखना है, तो बस इतना ही करना था हमें। तो इसी से ही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाएगा और कुछ भी नहीं। अब हमारा 5 नंबर क्या है, 5 नंबर में हमें यह क्या दिया है, यूजिंग द नंबर लाइन शो बिलो फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग ये और ये साइन, ग्रेटर का साइन हमें लगाना है जो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन है, इसके अकॉर्डिंग ये छोटा है सबसे और ये बड़ा है, छोटा से बड़ा जा रहा है। तो ठीक है, ये -1 -1/2 है। ठीक है, -1 और -1/2 है, तो यहाँ हमारा कहाँ है -1, हमारा -1 यहाँ है यहाँ। ठीक है, तो -1/2 कहाँ है हमारा, -1/2 यहाँ है, तो ये छोटा से बड़ा है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमारा साइन कहाँ जाएगा, इसकी ओर जाएगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमेशा दिमाग में रखना होता है कि क्या हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से जीरो बड़ा होता है। ठीक है, और जो है छोटा नंबर स्मॉल नंबर हमेशा नेगेटिव में बड़ा हो जाता है और ग्रेटर नंबर हमेशा छोटा हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव में हमेशा नेगेटिव में, माइनस ये स्मॉलर नंबर बड़ा होता है। ठीक है, और अगर यहाँ कोई नेगेटिव नंबर हो और यहाँ अगर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो हमारा पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। पहला एग्जांपल हम इस नेगेटिव नंबर वाला एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सपोज़ कि क्या है, -4 और यहाँ 0 है, तो हमारा 0 हमेशा बड़ा होगा। अगर यहाँ पर -4 या -5 है तो हमारा ये बड़ा होगा, स्मॉल नंबर हमेशा ग्रेटर हो जाता है। और यहाँ नेगेटिव नंबर, यहाँ -4 है और यहाँ 4 है, तो ये बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें बेस में दिमाग में बैठा लेना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फिलहाल इस नंबर लाइन को देखते हुए हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और -2। ठीक है, तो हमारा 1 कहाँ है, 1 यहाँ है और -2 यहाँ है। ऑब्वियसली मैंने यहाँ क्या बताया, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, इसी को बेस में रखते हुए 1 पॉजिटिव है, माइनस नेगेटिव होता है, तो यही बड़ा होगा। फिर 0, हम क्या बताएं यहाँ पे, किसी भी नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है, तो हमारे यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव नंबर है, तो ये बड़ा है। ठीक है, और अगर सपोज़ यहाँ हमारा 0 है और यहाँ एक पॉजिटिव नंबर है 4, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब 0 बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब जो है यहाँ हमारा -5 और -4 है, मैंने यहाँ पहले भी बताया -4 -5, देखो हमेशा -4 ग्रेटर होगा, तो यहाँ जो है -4 ग्रेटर होगा। अब यहाँ ई नंबर 3 होल 3/4 होल 1 होल 2/5, यहाँ क्या है हमारा 3 ज़्यादा बड़ा है, इस होल के जगह में देखो 3 ज़्यादा बड़ा है और यह 1 छोटा है, तो हमारा यही बड़ा होगा। अगर इससे आपको प्रॉब्लम होगा तब क्या करें, इससे कन्वर्ट कर लें मिक्स फ्रैक्शन, तो 4 3 12 13 14 15, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, इसके जगह 15/4 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, 5 1 5 6 7, यहाँ हमारा 7/5 आ जाएगा, तो हमारा क्या बड़ा है, यह 15 ज़्यादा बड़ा है या 7, तो हमारा 15 ज़्यादा बड़ा है, तो हमारा यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एफ नंबर, आपको नंबर लाइन देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको ये याद हो।
तो माइनस फोर और यहाँ फोर होल टू बाई थ्री, तो ऑब्वियसली ये माइनस है, यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो यही बड़ा होगा, जैसे कि यहाँ मैंने माइनस यहाँ, तो यहाँ देखिए फोर फोर, ठीक है। अब यहाँ हमारा जी नंबर माइनस थ्री फोर बाई फाइव और यहाँ माइनस फोर, तो ये क्या है, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो ये नंबर ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा आ जाएगा। फाइव थ्री जो कितना होता है, फाइव थ्री जो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, तो हमारे यहाँ पर नाइनटीन बाई फाइव आ जाएगा, माइनस नाइनटीन बाई फाइव और माइनस फोर, इन दोनों में कौन बड़ा हुआ, यही बड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे यही आएगा, ठीक है। और ये हमारा एच नंबर माइनस वन बाई टू माइनस वन और फाइव बाई सिक्स, तो हमारा ये ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हम क्या बताएं, तो सुनिए हमेशा माइनस में क्या होता है, माइनस में हमेशा जो होल नंबर होता है ना, जो होल नंबर होता है वो हमेशा छोटा होता है एक पूरे नंबर से, यहाँ फोर है और यहाँ होल नंबर है, तो यही हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ जो है दोनों होल नंबर आएगा, तो यहाँ हमेशा अगर मिक्स फ्रैक्शन में सिक्स वन जो सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, अगर यहाँ इलेवन बाई सिक्स आ गया माइनस इलेवन सिक्स और यहाँ माइनस वन बाई टू, तो हम क्या बताएं, हमेशा नेगेटिव में जो नंबर छोटा रहेगा वही बड़ा होगा, तो ये छोटा है तो यही बड़ा है। आपको अब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा, रिक्वेस्ट करके कमेंट करके बताइए, अगर नो रिक्वेस्ट मैं डायरेक्ट ऑर्डर कीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगी आपके लिए एक वीडियो और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टाटा।